एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूर्ण हो गए हैं। इस पर एनएसयूआई ने विरोध कर मुख्यमंत्री और कानून व्यवस्था का पुतला फूंका। मंडला में एनएसयूआई पदाधिकारी सोनू परोचिया की निर्मम हत्या का विरोध किया गया। एनएसयूआई ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में शिवराज सरकार और कानून व्यवस्था का पुतला फूंककर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज शिवराज सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में शिवराज सिंह द्वारा पहले तो लोकतंत्र की हत्या की गई और अब प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में लगातार आपराधिक प्रकरण बढ़ रहे हैं। इसी बीच मंडला में एनएसयूआई पदाधिकारी सोनू परोचिया की हत्या दिन दहाड़े बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन शिवराज सरकार हाथ पर हाथ रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करने में लगी हुई है। विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ना ही प्रदेश की जनता से और कोई मतलब है और ना ही प्रदेश के कानून व्यवस्था से। उनका सिर्फ उपचुनाव और मंत्रिमंडल पर ध्यान है। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या का 100वां दिन है। शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। जनता त्राहिमाम कर रही है। कुछ दिनों पूर्व मंडला में एनएसयूआई के महासचिव की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज भोपाल एनएसयूआई ने यहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कानून व्यवस्था का पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।